हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग ये वाली जैकेट के लिए मुझसे बोल लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास पिक्चर भेजी है इसकी। तो चलिए सीख लेते हैं वाली जैकेट कैसे बनेगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पिंक कलर की ऊन ली है, 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। अब सबसे पहले हम चैन बनाएंगे, तो चैन हम 5 चैन बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो जैकेट होती है वो राउंड शेप में होती है, ब्लेरो जैकेट आप उसको बोल सकते हैं। मुझको पर्सनली ये जैकेट बहुत पसंद आई है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, सर का काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस तरीके से एक राउंड शेप बना लिया है। अब हमने 3 चेन लेकर इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चेन को काउंट किया तो हमारे पास 2 हो गई, अब 3, देखिए इस तरीके से 3 हो गई, 4। तो इसके अंदर हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसके राउंड के अंदर हमें 16 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये वाला हमने देखिए राउंड पूरा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी इसमें इसको डालकर ज्वाइंट करेंगे और यहाँ से हम दूसरा राउंड अपना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3 3 चेन लेकर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम वापस इसी जगह डालेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, सेम इसी जगह फिर से डालेंगे, फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके पास वाली चेन में डालकर 1 डबल क्रोशिया, वापस इसी जगह डाल के फिर 1 डबल क्रोशिया। इस राउंड को हमें सेम इसी तरीके से कम्प्लीट करना है कि हर चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद वाले राउंड में भी सेम हमें वही करना है। देखिए, स्टार्टिंग में हमने जो बनाया था 16 डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और सेम इसी की तरह हमने तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने चौथे राउंड पर आ गए हैं। उस पर देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें 5 चेन लेनी है। देखिए 5 चेन लेकर सेम इसी जगह डालकर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब फिर हम 1, 2, 3 चेन लेंगे और 2 चेन का गैप देकर तीसरी वाली चेन में डालकर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम 3 चेन लेंगे और 2 चेन का गैप देकर तीसरी वाली चेन में डालकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली में डालकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन ली, वापस इसी जगह डाल के फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब फिर हम 3 चेन लेंगे और 2 चेन का गैप देकर तीसरी वाली चेन में डालकर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और 2 चेन का गैप देकर तीसरी वाली चेन में डालकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 2 चेन लेंगे, वापस इसी जगह डालकर फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 3 चेन लेकर फिर 2 चेन का गैप दिया, तीसरी वाली में डालकर सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इस राउंड को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। 2 चेन का गैप दिया, इसमें तीसरी वाली में डालकर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, 1, 2 वापस इसी जगह डाल के फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को हमें ऐसे ही बनाना है, सिंपल है। और इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आगे वाले राउंड में हमें क्या करना है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, फिर हमने 3 चेन ले ली हैं और यहाँ पर जॉइंट करेंगे, 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली में डालकर जॉइंट करेंगे और फिर 3 चेन लेकर इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, 1, 2, 3 इसको हम इसमें जॉइंट कर देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके बीच वाले इसमें देखिए बीच में डालेंगे और पहले तो हम इसको इस तरीके से जॉइंट करेंगे, 1, 2, 3 3 चेन लेकर हम देखिए वापस इसी जगह डालकर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर 1, 2, 3, 4 4, 5, 6 चेन ली, अब हम इसमें डालेंगे, जो हमने डबल क्रोशिया बनाया ना इसमें डालना है, ठीक है, इसमें डालेंगे। फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1, 2, 3 3 चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर हम 6 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 चेन लेकर फिर हम वापस इसमें डालेंगे, देखिए जो डबल क्रोशिया बना रखा है इसमें डालना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन लेके वापस इसी जगह डालकर फिर हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। तो इस राउंड को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, बीच बीच में 6 चेन लेनी है और 6 चेन लेने के बाद इसको हमें यहाँ पर डालकर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर, देखिए इसमें डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेकर
वापस इसी में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को हम कंप्लीट करने के बाद आगे आपको दिखाते हैं। देखिए पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से 6 चैन लेकर इसको यहाँ पर डालकर इसको ज्वाइन कर देंगे, जो डिज़ाइन बनाई थी। देखिए इसमें डालकर ज्वाइन किया। अब 1 2 3 3 चैन लेकर सेम इसी जगह क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। चैन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास, ठीक है। चैन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया हो गया। वापस डालेंगे 3, वापस डालेंगे 4 5 6 7 8। देखिए इसके अंदर हमने डालकर 8 डबल क्रोशिया बनाया है, ठीक है। इसके अंदर डाल के हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लेकर इसमें जो हमने 6 चैन ली थी इसमें डालकर इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। फिर 3 चैन लेंगे, वापस इसी जगह डालकर फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अभी देखिए फिर से हम एक चैन लेकर इसमें डालेंगे और 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, वापस डालेंगे 3, 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर। बना के दिखाती हूँ मैं, देखिए 3 हो गई, देखिए 4 5 6 7 8। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें एक चैन लेंगे और इसके अंदर डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने 6 चैन लिए ना बीच में, इसमें डाल लें। फिर 3 चैन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे हम और फिर इसके अंदर डालेंगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस वाली रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो इस पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लिया। जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन ली थी इसमें डालकर हम इसको जॉइंट करेंगे और इसको जॉइंट करते हुए बीच में लेकर आएंगे। देखिए इस तरीके से जॉइंट करते हुए लेकर आएंगे, बीच में लेकर आएंगे, बीच में लाकर फिर हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए बीच में ले आए। अब हाँ यहाँ पर हम 1 2 3 4 4 चेन लेंगे और इसमें डालेंगे। देखिए ये बीच वाले में डालेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको ये खिंचा खिंचा लगे तो आप 4 की जगह 5 भी चेन ले सकते हैं या फिर 6 भी चेन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 चेन ले रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 4 चेन लेने के बाद अब इसमें हम बीच में डालेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके अंदर भी हम टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, देखिए 4, इसके अंदर डालेंगे वापस 4 5 6 7 8। इसके अंदर हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हम देखिए इस तरीके से बन गया। फिर से हम 4 चेन लेंगे और इसको 1 2 3 4 4 चेन लेने के बाद अब फिर हम इसमें बीच में इसको जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। देखिए इसमें बीच में जॉइंट करेंगे, यहाँ पर जॉइंट करेंगे हम इसको। फिर यहाँ से हम 4 चेन लेंगे, देखिए इस तरीके से हमने बनाई है डिजाइन। देखिए फिर हम 4 चेन लेंगे और स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद फिर से हम इसमें डालकर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसके अंदर हमने फिर से 8 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हम 4 चेन लेकर इसको ज्वाइंट करेंगे बीच में। तो इस तरीके से हमारी डिजाइन बनकर आएगी। देखिए फिर से हम 4 चेन लेंगे और इसको बीच में इसको ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ पर डालकर इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है, पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पूरी रो हमारी ऐसे ही कंप्लीट हुई है और हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली। इस तरीके से डिजाइन आ जाएगी बनकर। और इसके बाद वाली रो में हमें देखिए क्या करना है, सिंपल था इतना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ज्वाइंट करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी ना उसको उसमें ज्वाइंट करना है। पहले हम 8 डबल क्रोशिया पूरी करने के बाद
इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर ज्वाइंट किया। अब जो हमने स्टार्टिंग में फोर चेन ली थी, उसमें हम फर्स्ट वाली चेन में डालकर इसको ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद इसमें हम बीच में डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन, तीन चेन लेके वापस इसी जगह हम डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चेन को काउंट किया तो दो हो गए हमारे पास, तीन वापस डालेंगे, चार, पाँच, पांच डबल क्रोशिया हमने इसमें बना लिया है। अब जो हमने आठ डबल क्रोशिया बनाई है, ठीक है, इसमें हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। देखिए इसमें हमने आठ डबल क्रोशिया बनाया। अब जो हमने चेन बनाई है इसमें हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, पांच इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच। देखिए पांच डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाया और इसके पास वाली जो चेन है इसमें भी हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जहाँ पर हमने आठ डबल क्रोशिया बना रखा है उसमें हमें आठ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। वाली रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वाली रो में हमें क्या करना है, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए दो रो हमने कंप्लीट कर ली है, इसकी जो सेकेंड वाली रो है इसमें हमने हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है, ठीक है, इतना सिंपल है। अब इसके बाद हमें जो डिज़ाइन डालनी है उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, चार पाँच छः सात, देखिए हमने सात चेन ली हैं। सात चेन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक दो तीन चार, चार चौथी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब फिर हम एक दो तीन चार, चार चेन लेंगे और चौथी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसकी अगर मैं यहाँ पर चार चेन ले रही हूँ, आप चार की जगह पांच भी ले सकते हैं, अगर आपको खिंचा खिंचा लगे तो आप पांच चेन ले लें, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रूप में सिंपल है, बस हमें चार चेन लेनी है और चौथी वाली चेन में डालकर डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो इतना बनाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए सिंपल है बिल्कुल, चार चार चेन ली है और चौथी वाली चेन में डालकर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, इतना बन गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक दो सॉरी एक चेन लेकर इसमें डालकर इसको जॉइंट करेंगे, ठीक है। जॉइंट करने के बाद एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाया, चेन को काउंट किया तो दो हो गया, तीन चार, चार डबल क्रोशिया हो गया। एक चेन लेकर फिर इसमें डालकर हम इसको जॉइंट इसमें डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया वापस डालेंगे, दो डबल क्रोशिया, तीन और चार, चार बनाने के बाद फिर हम एक चेन लेंगे और इसके पास वाली जाली में डालेंगे। यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इसमें डालकर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो तीन और चार, चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेना है और दूसरी वाली जाली में डालकर चार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो को भी हमें सिंपल है ऐसे ही कंप्लीट करना है, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हर जाली में डालकर चार चार हमें डबल क्रोशिया बनाना है, बीच बीच में एक एक चेन लेनी है, ठीक है। देखिए तीन चार हो गया, चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेकर हम अगली जाली जाली में डालकर बनाएंगे। तो इतना कंप्लीट करने के बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने इस रो को पूरा कंप्लीट कर लिया है, सिंपल था। हर जाली में हमने चार चार डबल क्रोशिया बनाया, बीच बीच में एक एक चेन ले ली थी। अब हम इसके आगे जो डिज़ाइन बनाएंगे वो पत्ते वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तो सिंपल सी डिज़ाइन है, एकदम सिंपल है, आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें जॉइंट करेंगे। यहाँ पर जॉइंट करने के बाद अब तीन चेन लेंगे हम, सॉरी एक दो तीन चार, चार चेन लेने के बाद दो बार धागा क्रोशिया हमने लिया, ठीक है। अब दूसरी वाली चेन में डालकर इसको हम देखिए दो बार धागा निकालेंगे और बाकी धागे इसमें क्रोशिया में रहने देंगे। फिर हम दो बार लेंगे धागा क्रोशिया में, देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे,
दो बार धागा क्रोशिया में लिया, इसमें डालेंगे, देखिए दो बार धागा लिया क्रोशिया में, अब इसमें डालेंगे और पहले हम दो दो करके दो बार फंदे निकालेंगे, बाकी इसमें रहने देंगे, और ये चौथी बार डालेंगे, इसमें भी हमें सेम करना है इस तरीके से। अब इन चारों फंदों को एक साथ हम निकाल देंगे तो ये पत्ते वाली डिज़ाइन बनकर आ जाएगी। अब हम तीन चार चार चेन लेने के बाद दूसरे वाले में डालेंगे, इस वाले में डालेंगे, इसमें भी हमें सेम करना है, दो बार फंदा निकालना है, बाकी के फंदे क्रोशिया में रहने देना है, फिर दो बार धागा लपेटा और इसमें डालेंगे, इसके पास वाले में सेम इसी तरीके से फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी फंदे सारे क्रोशिया में रहने देंगे, फिर तीसरी बार हम फिर करेंगे इसके पास वाले चेन में डालकर, दो बार धागा निकाला बाकी इसमें रहने दिए, फिर तीसरी बार फिर डालेंगे। देखिए अब बाकी जितने फंदे सारे एक साथ निकाल देंगे तो इस तरीके से पत्ते की डिज़ाइन बनकर आ जाएगी। फिर हम चार चेन लेंगे, चार चेन लेने के बाद आगे जो हमने चार डबल क्रोशिया बनाई है इसमें भी हमें एक एक बार करना है। देखिए दो बार धागा क्रोशिया में लिया और फर्स्ट वाली चेन में साथ, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा, अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा है, तो इसमें हमें बनाना है जो हमने चार चार डबल क्रोशिया बनाई है इसमें डालेंगे। देखिए फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे, ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे, बट हम दो बार ही फंदे निकालेंगे। देखिए इस तरीके से दो बार धागा लपेटा और इसमें डालेंगे, और एक बार निकाला धागा और दो बार, बाकी फंदे हम क्रोशिया में रहने देंगे। अब फिर हम दो बार लपेटेंगे, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे, दो बार हमने कर लिया है, तीसरी बार फिर करेंगे हम, देखिए, और ये लास्ट बार और करेंगे चार बार, ठीक है। अब इन सारे फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे, एक साथ निकालने के बाद चार चेन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चेन लेने के बाद सेम इसी तरीके से हम आगे भी डिज़ाइन बनाएंगे, इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, सिंपल है। तो इस तरीके से देखिए एक दो तीन और ये लास्ट बार डालेंगे चार, देखिए चार बार डाल लिया हमने, इन सारे फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे, फिर चार चेन लेंगे हम और सेम इसी तरीके से इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे, पत्ते वाली डिज़ाइन बनकर आ जाएगी, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली, इतना हमारा कंप्लीट हो गया है, अब थोड़ा सा हम और बनाएंगे, तो इस तरीके से पूरी डिज़ाइन बन गई है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से डिज़ाइन बनकर आई है। अब इसके बाद हमें जो डिज़ाइन बनानी है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे और इसमें हम एक दो तीन, तीन चेन लेकर, तीन चेन ले ली हमने, ठीक है। अब देखिए इसमें डालेंगे हम, तीन चेन लेने के बाद जो हमने चार चेन ली हैं गैप दिख रहे हैं आपको, इसमें डालेंगे, इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाया, वापस डालेंगे इसके अंदर दो डबल क्रोशिया, वापस डालेंगे इसके अंदर, देखिए दो हो गया है, तीन चार पाँच छः सात, देखिए हमने इसके अंदर सात डबल क्रोशिया बनाया है, ठीक है। सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया हम इस पत्ते के ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर डालकर बनाएंगे, फिर इस वाले गैप के अंदर हम सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, ठीक है। अब इस पत्ते के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस गैप के अंदर आप छः डबल क्रोशिया ही बना सकते हैं, सात डबल क्रोशिया बना सकते हैं, वो आपका चॉइस है, आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमें बनाना है, इसके अंदर डालेंगे सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये छः डबल क्रोशिया बना सकते हैं आप, वो आपका चॉइस है,
तो देखिए मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद इस पत्ते के ऊपर भी देखिए एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है और गैप में भी बनाना है। इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद वाली रो में हमें, ठीक है, सिंपल है, इस रो को हमने पूरा ऐसे ही कंप्लीट किया है, इतना हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे। और सबसे पहले तो हम इसको जॉइंट करेंगे, जो हमने 3 चैन ली थी इसमें डालकर इसको जॉइंट करेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 3 चैन लेकर हर चैन में डालकर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ठीक है, इसमें बनाया, इसके पास वाली चैन में डालेंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाली चैन में डालेंगे, यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को हमें डबल क्रोशिया से कंप्लीट करना है, हर चैन में डालेंगे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरी चैन में। देखिए इस तरीके से डालकर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाली चैन में डालेंगे, यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पूरी रो को हमें डबल क्रोशिया से कंप्लीट करना है, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए इतना हमारा बन गया। अब हमें मुड्ढे बनाने हैं, तो मुड्ढे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए हाफ कर लिया हमने, इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम एक पिन लगाएंगे सेफ्टी पिन, और एक नीचे के साइड सेफ्टी पिन लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने हाफ कर लिया है, एक सेफ्टी पिन हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और एक सेफ्टी पिन हम नीचे के साइड लगाएंगे। देखिए इस तरीके से लगाया, एक यहाँ पर लगा लेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे मुड्ढे बनेंगे। अब देखिए एक यहाँ पर हमने बनाया, इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, दोनों साइड हमने लगा लिया है। इतना लगाने के बाद अब हम इसको ओपन करेंगे, और हम यहाँ से देखिए 2 सेफ्टी पिन और लेंगे। अब हम यहाँ पर हम 20 इंच पर एक सेफ्टी पिन लगा देंगे, ठीक है, 20 इंच पर, जो छोटे वाले नंबर है ना उससे हम लगाएंगे, 20 इंच पर जो छोटे वाले नंबर होते हैं उससे हम 20 इंच पर लगा लेंगे। इतना 19 या 20 इंच पर लगा लेंगे निशान, इस साइड से लगाएंगे और दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही लगाएंगे हम। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए 19 इंच पर हम निशान लगा लिया हमने। अब हम देखिए 19 इंच पर लगाया, जो छोटा साइज होता है उस साइड उस तरफ से हमने लगाया 19 इंच पर। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम काउंट कर लेंगे, जो फंदे हैं डबल क्रोशिया वाले इसको हम काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 फंदे हमने काउंट किए हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पर हमने देखिए सेफ्टी पिन लगा दिए, सेम इस तरफ से भी काउंट करके। तो देखिए 40 फंदे की हमने यहाँ पर गैप दिया। फिर हम 10 इंच पर निशान लगा देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास 4 जो है पिन लग जाएंगी। देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। यहाँ पर हम 50 चैन लेंगे, देखिए 50 चैन लेंगे हम, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। और अभी आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके और अच्छे से समझ आ जाएगा, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए मैं 50 चैन ले रही हूँ मुड्ढे के लिए, इस तरीके से मैं 50 चैन ले रही हूँ। यहाँ पर हमने 50 चैन ले ली है। 50 चैन लेने के बाद अब हम ये वाली पिन खोलेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ये वाली पिन खोलकर यहाँ पर डबल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर एक डबल क्रोशिया से हम जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से हम दूसरी पिन तक जाली डालेंगे। देखिए एक हमारी
मुड्ढा बन गया है, ठीक है, एक हो गया। अब हम यहाँ पर जाली डालेंगे, तो एक चैन लेंगे, एक चैन का गैप देकर दूसरी वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे हम और एक चैन का गैप देकर दूसरी वाली चैन में डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन का गैप लेंगे, देखिए बीच बीच में एक एक चैन लेनी है और एक चैन छोड़ कर डबल क्रोशिया बनाना है, तो जाली बन जाएगी। इस तरीके से बनाना है, ठीक है, इस तरीके से फिर हम करेंगे। तो हमें दूसरी जो हमने पिन लगाई है यहाँ तक हम करते हुए लेकर आएंगे इसको। तो इतना हमने जाली बना ली है, अब यहाँ से हम फिर 50 चैन लेंगे, पहले हम जाली यहाँ तक पूरी कर लेंगे। देखिए एक चैन लेकर एक चैन छोड़ेंगे, यहाँ पर डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस पिन को हम निकाल देंगे। देखिए इस वाली पिन को हम निकालेंगे, निकाल दिया हमने, और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ से हम फिर से 50 चैन लेंगे और दूसरी वाली पिन में हम, देखिए ये हमारा बैक साइड हो गया, ऊपर की साइड आएगा कॉलर है, ठीक है, हमारा कॉलर का हो गया। अब फिर से हम यहाँ पर 50 चैन लेकर ज्वाइन करेंगे, हमने फिर से यहाँ पर 50 चैन ले लिए, अभी दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए। अब हम दूसरी वाली पिन खोलेंगे, यहाँ पर डालकर इसको ज्वाइन कर देंगे डबल क्रोशिया से। देखिए पिन निकाल लेंगे हम, देखिए यहाँ पर पिन निकाल दी, यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर हम सेम करेंगे, देखिए ये दोनों हमारे मुड्ढे हो गए, ऊपर हमारा एक कॉलर आ गया है, कॉलर का साइड हो गया बैक साइड, और नीचे की साइड हमारी घेर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर जाली डाली थी सेम वैसी ही जाली हम नीचे के साइड भी डाल देंगे, जाली फिर दिखाती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर ज्वाइंट करने के बाद जैसी जी जाली डाली है सेम वैसी ही हम ये नीचे के साइड भी डालेंगे। तो बस सिंपल है, एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चैन लेनी है और एक चैन का गैप देके दूसरी वाली चैन में डालकर इसको फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरीके से हमें जाली डालनी है, इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, बस एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चैन लेकर और फिर एक चैन का गैप देना है। तो इस रो को कंप्लीट हमने कर लिया है, जाली डाल दिए। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, जो हमने डबल 50 चैन ली है ना मुड्ढे की, उस वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम 3 चैन लेंगे और जो हमने 50 चैन ली है इन सब में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरीके से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस पूरी रो में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये देखिए इस वाले चैन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंपल है, हर चैन में डालकर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने 50 चैन लिए इन सब में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद जाली में कैसे बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। इतना हमने बना लिया, अब देखिए जाली में हम कैसे बनाएंगे, इसमें भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है, बट देखिए एक बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए बीच में बनाया, एक इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बीच में बनाएंगे, फिर एक इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। देखिए इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है, एक बीच में बनाना है, फिर एक इसके ऊपर बनाना है, फिर एक बीच में, इस तरीके से पूरी जाली में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद दूसरे साइड में मुड्ढा जो हमने चैन बनाई है इसमें भी हमें पूरे डबल क्रोशिया बनाना है, नीचे तक पूरा हमें डबल क्रोशिया से कंप्लीट करना है। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ, देखिए पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया की, तो इतना हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम डिजाइन डालेंगे, एक डबल क्रोशिया की रो हमारी कंप्लीट हो गई, दूसरी रो हम देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चैन लेंगे, 1 2 3, स्टार्टिंग में हम 7 चैन लेंगे, पहले 7 चैन लेने के बाद अब 3 चैन का गैप देके चौथी वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 चैन का गैप दिया, चौथी वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम यहाँ पर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चैन लेके फिर हम 3 चैन का गैप देंगे चौथी वाली चैन, देखिए चौथी वाली चैन में डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चैन लेने के बाद 3 चैन का गैप देके चौथी वाली चैन में डाल के फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, फिर 3 चैन का गैप देके चौथी वाली चैन में डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए इस तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सिंपल सी रो है, आप कंप्लीट कर लें। देखिए इतना हो गया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बीच में डालेंगे,
और एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ठीक है। अब वापस इसके अंदर डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, एक दो तीन चार, देखिए चार हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, ठीक है, इस तरीके से बनाया। फिर इसमें डालेंगे दूसरी वाली जाली में एक सिंगल क्रोशिया, फिर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बना लिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, फिर दूसरी वाली जाली में डालेंगे, देखिए इस तरीके से बनकर आएगा। फिर दूसरी वाली जाली में डालेंगे, देखिए इस तरीके से बनकर आ रहे हैं। दूसरी वाली जाली में डाला एक सिंगल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर हम। फिर इसके दूसरी वाली जाली में डाला, इसी तरीके से इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लिया है, अब इसके बाद की डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बीच में लेकर आएंगे इसको जॉइंट करते हुए, देखिए इस तरीके से बीच में लेकर आए। अब यहाँ से एक दो तीन चार, चार चैन ली और इस वाली जाली में डालेंगे, इसमें जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर चार चैन लेंगे हम, फिर इस वाली डिज़ाइन में डालेंगे बीच में, इसमें जॉइंट कर देंगे, एक दो तीन चार, फिर चार चैन लेंगे इस वाली डिज़ाइन में डालकर बीच में जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। तो इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, देखिए इस तरीके से बनकर आएगी। फिर चार चैन लेंगे हम, एक दो तीन चार, इस वाली डिज़ाइन में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर चार चैन लेकर इसको जॉइंट करते जाएंगे, इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर ली हमने। अब इसके बाद हमें फिर से क्या करना है, इसमें पूरी रो में डबल क्रोशिया बनाना है। इस पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हमने जो जाली बनाई है, जाली के ऊपर हमने चार चार डबल क्रोशिया बनाया है। जैसे कि हमने ये दो रो बनाई थी, इसके बाद जाली डाली थी, देखिए इसके बाद हमने जाली डाली थी। तो देखिए यहाँ पर हम मैं आपको दिखा दूँ, तो इसके अंदर हमने चार चार डबल क्रोशिया बनाए हैं, चार या पांच, जैसा आपको खिंचा खिंचा नहीं लगना चाहिए, आप पांच भी डबल क्रोशिया बना सकते हैं। देखिए इसके अंदर हमने चार चार डबल क्रोशिया बनाया, इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट किया हमने। देखिए एक डबल क्रोशिया, दो डबल, तो अगर आप लोगों की ऊन पतली है तो थोड़ा खिंचा खिंचा आएगा, इसलिए आप पाँच डबल क्रोशिया बना लें, और ज़्यादा खिंचा हुआ लगे तो छः डबल क्रोशिया बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है चार पांच डबल क्रोशिया बना लूँगी, चार या पांच जो भी है बना लूँगी। बनाने के बाद इस रो को मैंने कम्प्लीट किया है, यहाँ पर डालकर इसको जॉइंट कर दूँगी। अब इसके बाद हमें हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, तीन चैन लेने के बाद हर चैन में डालकर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इसके बाद वाली रो में हम हर चैन में डालकर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इतना बनाने के बाद फिर हम सेम करेंगे, देखिए हमने स्टार्टिंग में देखिए दो रो डबल क्रोशिया के बनाई है, ये देखिए डिजाइन के बाद हमने दो रो डबल क्रोशिया के बनाई थी, उसके बाद हमने ये जाली डाली है, ठीक है। अब हम दो रो डबल क्रोशिया के बनाएंगे, फिर ये जाली डालेंगे, जाली के बाद फिर हम पत्ते वाले डिज़ाइन डालेंगे। तो इस पार्ट में मैंने आपको इतना बताया, सेकंड पार्ट में मैं इसकी पूरी लेंथ बताऊंगी, इसके आगे का बताऊंगी और बाजू बनाना बताऊंगी। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको पहन कर भी दिखाऊं, ये पहनने के बाद कैसी लगती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सेकेंड पार्ट में इसको पहन कर ज़रूर दिखाऊँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको इन्जॉय करें, बाय।